हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 40x45, 40 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 45 फीट प्लॉट की लंबाई है। नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारे पास है 40 फीट। 40 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 45 फीट। 45 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 40 × 45 टोटल प्लॉट का एरिया हो गया। और नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले आ रहा है 9 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर। ये हमारा पार्किंग एरिया है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट × 15 फीट 9 इंच। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 15 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो गया पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया के यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जैसे ही 1-2 स्टेयर अप करते हैं तो हमारे पास आता है वरामदा, जो कि 4 फीट चौड़ाई के अंदर, ये फ्रंट के अंदर हमारा वरामदा रहेगा 4 फीट चौड़ाई के अंदर। और हम यहाँ पर जैसे ही 2 स्टेयर अप करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाज़ा 3.5 फीट का। इस घर के अंदर टोटल 2 मेन डोर है, वो दूसरा मेन डोर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा मेन डोर है 3.5 फीट का, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो हम पहुँचते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ये हमारा ड्राइंग रूम है जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट × 11 फीट 7 इंच। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 11 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो गया ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम की 1 4 फीट की विंडो हमारी पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है और बाकी 2 विंडो यहाँ पर देखिए इस मेन डोर के दोनों तरफ 2-2 फीट की निकल रही है। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम से सीधा हम घर के अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आराम से सोफे वगैरह लग जाएंगे, तो यहाँ पर आपके जो भी मेहमान वगैरह आए हैं वो यहाँ मेन गेट से सीधा यहाँ पर एंटर होके यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है। अब वापस इस तरफ आते हैं तो ये हो गया हमारा पार्किंग। पार्किंग के जैसे सामने यहाँ पर देखिए, हम जैसे ही दोस्तों 2 स्टेयर अप करते हैं तो ये हमारा घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाज़ा 4 फीट का, जो कि वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेन डोर हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं ये हमारा पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया हो गया, जो कि 12 फीट 2 इंच चौड़ाई के अंदर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और लंबाई के अंदर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया रहेगा। और डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा आ रहा 2.5 फीट का दरवाज़ा और कॉमन टॉयलेट आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट × 6 फीट है। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ पर सामने निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट इस तरफ आते हैं तो ये हमारा हो गया डाइनिंग और लिविंग एरिया। और यहाँ पर हमारा स्टेयर केस है, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट × 3.5 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा, ठीक है। अब जहाँ से स्टेयर केस अप हो रहा है उसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा है और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट × 12 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया, जिस बेडरूम की हमारे पास 1 6 फीट की बड़ी विंडो सामने निकल रही है और 1 4 फीट की विंडो इधर हमारी पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। पूर्व दिशा के अंदर भी हमने यहाँ सामने से लेके यहाँ पर ये किचन की जो वॉल आ रही है यहाँ पर तक, यहाँ तक हमने 3 फीट चौड़ाई के अंदर ओपन पेस है छोड़ रखा है, ठीक है, ताकि हमारे घर के अंदर वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो भी इस तरफ निकल रही है, ठीक है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर ही हो गया हमारा दोस्तों डाइनिंग और लिविंग एरिया। यहाँ पर ही हो गया ड्राइंग रूम। और इस डाइनिंग और लिविंग एरिया की यहाँ पर देखिए, जो हमारा इस तरह वाला मेन डोर है उसके पास में यहाँ पर 3 फीट की विंडो निकल रही है पार्किंग एरिया की तरफ, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर हो गया स्टेयर केस। अब इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा आ रहा किचन, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट × 11 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा किचन हो गया, जिसकी यहाँ पर एक विंडो 3 फीट की निकल रही है सामने, जो हमने पूर्व दिशा के अंदर जो बालकोनी छोटे की है 3 फीट चौड़ाई के अंदर ओपन एरिया, उसके अंदर इस किचन की विंडो निकल रही है। और एक किचन की 4 फीट की विंडो पीछे दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है, पीछे दक्षिण दिशा के अंदर हमने 3 फीट चौड़ाई के अंदर पूरा ओपन फेस है छोड़ रखा है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने पूरा 3 फीट का ओपन फेस है छोड़ रखा है, तो इसके अंदर इस किचन की 4 फीट की विंडो निकल रही है। और पीछे जाने के लिए किचन से हमने 2.5 फीट का दरवाज़ा दे रखा है। अब किचन से वापस बाहर आते हैं, इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा आ रहा है स्टोर रूम, जिसके हमारे पास साइज है 5.7 फीट × 5.7 इंच। 5.7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 5.7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा स्टोर रूम हो गया जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे निकल रहा है।
अब स्टोर रूम से वापस बाहर आते हैं, इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 3.5 फीट का दरवाज़ा है। इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो हम पहुँचते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट × 14 फीट, 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा मास्टर बेडरूम हो गया जिसकी 4 फीट की विंडो भी पीछे निकल रही है। और इस मास्टर बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा पहले तारा अटैच ड्रेसिंग जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट × 6 फीट, 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा अटैच ड्रेसिंग हो गया। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2.5 फीट का दरवाज़ा और अटैच टॉयलेट आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 7 इंच × 6 फीट, 5 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे दक्षिण दिशा के अंदर निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमारी उत्तर दिशा, यहाँ पर 9 फीट का मेन गेट, ये हो गया हमारा पार्किंग, ये यहाँ पर ड्राइंग रूम, ये सामने 4 फीट का ओपन, ये बरामदा बना लो आप इसको, ये हमारा हो गया बेडरूम। और यहाँ पर ये घर का दूसरा मेन डोर, ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर स्टेयर केस हो गया, ये कॉमन टॉयलेट हो गया। और यहाँ पर ये किचन, ये स्टोर रूम, ये पीछे 3 फीट का ओपन, ये हमारा हो गया मास्टर बेडरूम, इसका ये अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट हो गया। और इस तरह पूर्व दिशा के अंदर भी 3 फीट का ओपन हो गया। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साथ में बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक।